नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम ग्रामश्री कविता पढ़ने जा रहे हैं जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। इस काव्य पंक्तियों में प्रकृति की प्राकृतिक सूषमा का स्पष्ट वर्णन करते हुए कवि ने खेतों में खड़ी फसलों का जीवंत चित्रण किया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित हरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। हरित मतलब हरा, रुधिर मतलब रक्त, श्यामल ये श्याम वर्ण का गहरे हरे कलर का, चिर मतलब सदा, फलक मतलब आकाश, वसुधा मतलब धरती, और सनई ये एक प्रकार का पौधा है जिससे रस्सी बनती है, और किंकिणियाँ मतलब कमर के ऊपर बांधा जाने वाला घुंघरूदार गहना जिसको करधनी भी कहा जाता है, और तैलाक्त मतलब तेल से युक्त। गांव के खेतों में दूर तक फैली मखमल जैसी कोमल हरियाली, सूर्य की किरणों के साथ मिलकर चांदी की जैसी जाली बना देती है। हरे हरे तिनके ऐसे झिलमिलाते हैं जैसे उनमें हरा हरा खून प्रवाहित हो रहा हो। सांवली भूमि के तल पर झुका हुआ नीला और पवित्र आकाश सारी धरती को रोमांच से भर देता है। जौ और गेहूं की बालियां सोने की किंकिणियां जान पड़ती हैं, घुंघरू जान पड़ती हैं। पीली सरसों के पौधों और फूलों से तेल से युक्त गंध आने लगी है। तीसी के यानी अलसी के नीले फूल उग आए हैं। गेहूं की बालियां अरहर और सनई की किंकिणियों से सजी धरा अपने सौंदर्य के ऊपर मोहित होने के कारण रोमांचित है। साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, ग्राम्य सौंदर्य का वर्णन हुआ, मखमल की कोमल हरियाली पद में अनुप्रास अलंकार, और उजली जाली, निर्मल नील फलक, हिल हरित रुधिर इन सभी में अनुप्रास, रोमांचित सी लगती वसुधा, मखमल की कोमल हरियाली और चांदी की सी उजली जाली, इनमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ। हरे हरे, पीली पीली इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ, और यहाँ पर प्राकृतिक चित्रण का सजीव जीवंत चित्रण हुआ इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है, और अरहर सनई की सोने की किंकिणियाँ यहाँ पर हम रूपक अलंकार मान सकते हैं। भाव यह है कि हरी भरी कोमल घास पर चमकती हुई धूप का सौंदर्य वर्णन यहाँ पर किया गया, फसलों से लदी हुई वसुधा, रोमांचित वसुधा का मानवीकरण कवि ने अपार सुंदरता का चित्रण किया, गेहूं जौ की बालियां मानो उनके रोमांच हैं, सन और अरहर की फलियों में करघनी की कल्पना बहुत ही सुंदर है, नीले पीले रंगों और सुगंध से भरपूर धरती का सौंदर्य अद्वितीय लग रहा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाई बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर, और फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली,
पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लहलह पालक मह मह धनिया, लौकियों सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी भरी थैली। इन पंक्तियों में भिन्न भिन्न तरह के फलों और सब्जियों के माध्यम से प्रकृति की अद्वितीय सौंदर्य को यहाँ कवि ने सफलतापूर्वक शब्दों के द्वारा उकेरा है। रिल मिल का मतलब होता है मिलीजुली, छिमिया का मतलब होता है फलियाँ, व्रंत का मतलब होता है डंठल यानी कि पेड़ की टहनी, रजत यानी कि चांदी, स्वर्ण यानी सोना, सुनहरा, दल मतलब पत्ता, मतवाली मतलब मदहोश होकर के, और मुकलित का मतलब है आधा खेला हुआ, दाढ़ी मतलब अनार, चित्तिया का मतलब निशान, अंवली मतलब आंवला, और महमह का मतलब होता है महकता हुआ। कवि कहता है कि रंग बिरंगे फूलों से घुल मिलकर मटर की बेलें सखियों के समान हंस रही हैं। मटर की फलियां अपने भीतर दानों को छिपाए पेटियों के समान लटकती दिखाई दे रही हैं। फूलों पर मंडरा रही तितलियां ऐसे लगती हैं कि मानो रंग बिरंगे फूल एक टहनी से दूसरी टहनी पर स्वयं ही उड़ उड़कर घूम रहे हों। वसंत ऋतु में आमों में बौर आ जाता है, फूल सोने और चांदी का जैसा आभास देने लगते हैं, कोयल मधुर स्वर में गाकर सबका मन मोह लेती है, ढाक और पीपल के पत्ते झड़ जाते हैं, तरह तरह के फल सब्जियां, कटहल जामुन बेर आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैंगन सब फल फूल रहे हैं। अब पीले पीले अमरूदों में लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं, वे और ज़्यादा मधुर हो गए हैं, वृक्ष की डाल पर आंवले पक गए हैं, वो टहनियों से झड़ नहीं पाते, आंवले के तने पर शाखाओं के सख्त होने से इन पर लगे आंवले रत्नों की तरह दिखाई देने लगे हैं। खेतों में पालक धनिया सेम आदि फल फूल रहे हैं, टमाटर लाल हो गए हैं और मिर्चों की थैली भी हरी भरी हो गई है। यहाँ अनुप्रास अलंकार, प्रणुक्ति प्रकाश अलंकार और फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपतछाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगर उठी रहती सोई, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निश्की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलाभ नव आच्छादन, निरुपम हिमांत से स्नग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भारत के गांवों के सौंदर्य को सभी के मन को हरने वाला बताया। भारतीय गांवों में मौजूद प्रकृति का स्वरूप किसी भी व्यक्ति के मन को आकर्षित करने में सक्षम है। गंगा नदी के किनारे की रेत और पानी की लहरों को सांपों का आकार मिल गया है। नदी तट पर खरबूजों की खेती वातावरण को और सुंदरता प्रदान कर रही है। नदी के तट पर खड़े बगुले अपनी अंगुली से कंघी करते जान पड़ते हैं। जल में बतखें तैर रही हैं। बगुले नदी किनारे एक टांग पर खड़े होकर मछलियों को पकड़ने की ताक में हैं और दूसरी टांग से अपनी कलंगी खुजलाता दिखाई दे रहे हैं, अर्थात संवार रहे हैं। बर्फ और धूप से मिश्रित सारी हरी भरी धरती अलसाई सी मस्त जान पड़ती है। रात के अंधेरे में तारे सपनों में खोए हुए से लगते हैं। इस प्रकार ये खुला गाँव रत्नों से जड़े हुए डिब्बे की तरह सुंदर सा प्रतीत
हो रहा है। मरकत यानी कि पन्ना, हरे रंग का रत्न, उस पर नीले आकाश का एक शामियाना सा छाया रहता है। यह शांत और मन भावन वातावरण किसी का भी मन हरने में सक्षम है। कवि ने गांव को जनमन हरता क्यों कहा? गांव की शोभा अनुपम और अद्वितीय है। चारों तरफ फैली हुई हरियाली को हरियाली मन को हरती है। फल फूलों से लदे पौधे व पेड़ वातावरण को प्रदूषण रहित कर देते हैं। आकाश निर्मल व पवित्र हो जाता है। ग्रामीण अंचल में प्रकृति का अनुपम मनोहारी सौंदर्य सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन हुआ? शिशिर ऋतु के अंतिम दिनों का और वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन हुआ। गांव में मरकत डिब्बे सा खुला, गांव को ऐसा क्यों कहा? तो गांव के खेतों में दूर तक फैली मखमल जैसी कोमल हरियाली सूर्य की किरणों के साथ मिलकर के चांदी की सी जाली बना देती है। रंग बिरंगे फूलों फलों की सुगंध से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कोयल मधुर स्वर में गाकर सबका मन मोह लेती है। बर्फ और धूप से मिश्रित सारी हरी भरी धरती अलसाई सी मस्त जान पड़ती है। रात के अंधेरे में तारे सपनों में खोए हुए से ऐसे लगते हैं। इसीलिए प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। अरहर और सनई के खेत कवि पंथ को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि पंत जी को सुनहरी करदनी के समान लगते हैं, जो धरती की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। अंतिम प्रश्नों की तरफ चलें तो हरे हरे शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ, हिल हरित रुधिर रहा झलक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ, और तिनको के तन और रुधिर यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ वो भारत के किस भूभाग पर है? वो उत्तर भारत के गंगा किनारे के आसपास का गांव है।